मंदिर में सोते हुए व्यक्ति की हत्या, मची अफरा तफरी व भय का माहौल। बीती रात थाना चील के पुलिस चौकी चेतगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धोरहरा निवासी मुन्ना पासी पुत्र टिर्री पासी उम्र करीब 40 वर्ष जो अपने गांव में स्थित मंदिर परिसर में सोए थे की रात में अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से गला काट कर हत्या कर दी गई। वहीं चील के इलाके में अफरा तफरी का व भय का माहौल बना हुआ है। उक्त के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर प्रभारी निरीक्षक थाना चील मय पुलिस बल के मौके पर पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक मंदिर की साफ सफाई का कार्य करता था। प्रथम दृष्टया साथियों से कुछ विवाद की बात प्रकाश में आ रही है। मौके पर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, नगर क्षेत्राधिकारी, सदर स्वाट टीम, फील्ड यूनिट व प्रभारी निरीक्षक महिला थाना मौजूद है। थाना चील पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर अग्रतर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सर, मंदिर के सेवकिया का गला काट दिया गया है, मंदिर पे ही सौंप दिया गया है। सर, आप मौके पर पहुंचे हैं, क्या रीजन निकल रहा है अभी तक और क्या लग रहा है? ये थाना चील में धरहरा गांव है जहां हम लोग खड़े हुए हैं। यहां पर शंकर जी का मंदिर है। यहां इसी परिसर में मुन्ना पासी की धारदार हत्या से गला काट करके हत्या कर दी गई है। हम आपको बताते हैं, मुन्ना पासी जो है ये कालीन फैक्ट्री में काम करता है। पिछले 3-4 दिनों से काम करने नहीं जा रहा था, लेकिन ये मंदिर की साफ सफाई देख रेख करता था, ऐसा लोगों द्वारा बताया गया। ये पुजारी नहीं था बल्कि साफ सफाई करता था। और आपस में सूचना मिलने पर यहाँ थाना स्थानीय पुलिस मौके पर आई। मैं भी मौके पर हूँ, मेरे साथ अधिकारी हैं, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में अभी परिवार गांव के ही किसी व्यक्ति से विवाद होना प्रकाश में आ रहा है, जिसकी छानबीन की जा रही है। रात में ये 2-3 लड़कों के साथ सोया हुआ था, उन लड़कों के बारे में जानकारी करके भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इन्हीं 2 बिंदुओं पे लेकर के हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। बली का मामला, बली का मामला बताया जा रहा है कि वो जिस तरह से चौखट पे इसका सब अभी तक की छानबीन से ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। केवल 2 बिंदु हमारे सामने हैं जिन पर हम छानबीन कर रहे हैं और जल्दी ही घटना का अनावरण करेंगे। अभी तहरीर लिखी जा रही है, जैसे तारीख लिख दी जाएगी आप लोगों को।